सदन के अंदर विधान बनाने के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इस राज्य के सभी माननीय सदस्य जनता के विश्वास लेकर आते हैं। उस विश्वास पर सदन के अंदर सम्मान, उनके साथ सौम्यतापूर्ण व्यवहार, शालीनता के साथ विधायिका की प्रक्रिया और नियम से अवगत कराना और उनसे भी अपेक्षाएं लोगों को वो संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए सदन की गरिमा को बढ़ाने का माननीय सदस्यों ने अच्छा शुरुआत प्रारंभ किया, तभी तो सदन 21 दिन चला। लेकिन एक दिन 23 मार्च 2021 को राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन के दौरान एक खास विधेयक को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रकट किया गया और अमर्यादित आचरण किया गया, विधानसभा के आसन को बाधित किया गया, विधानसभा के कक्ष को बंद किया गया, संसदीय प्रणाली में इस तरह का डेडलॉक वांछनीय नहीं होता है। सदन के अंदर अव्यवस्था फैली। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ मार्शल की संख्या बहुत कम है। सदन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जिला बल से अतिरिक्त पुलिस बल मार्शल के रूप में सहयोग करने के लिए हमेशा बुलाया जाता है और सदन में मार्शल के रूप में एक्शन के लिए जरूरत पड़ने पर अनुमति दी जाती है। विधायक को बेल से लाकर सम्मानपूर्वक ले जाना, जो सदस्य सदन में आसन पर बैठे हैं उन्हें नहीं टच करना, छूना, हमने निर्देशित किया था कि आसन को और खाली कराना, बेल को खाली कराना, ताकि सदन सुव्यवस्थित चल सके। लेकिन चैम्बर हमारा बंद किया हुआ था, विजुअल चल नहीं रहा था। बाद में हमने सीसीटीवी कैमरे के अंदर और जो कुछ विजुअल प्रेस मीडिया के माध्यम से बाहर की घटनाओं का चला, जिसमें हमने कुछ अप्रिय दृश्य देखने को मिला। कक्ष के बाहर से एक व्यक्ति के द्वारा एक माननीय सदस्य को मारते हुए दिखाया गया। पोर्टिको के बाहर, व्हाइट लाइन के बाहर एक माननीय सदस्य को पुलिसकर्मी के द्वारा माननीय सदस्य को पैर से मारते हुए दिखाया गया। यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और उचित नहीं था। मैंने इसके संदर्भ में पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को जांचोपरांत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। मेरी हमेशा से यह कोशिश रही है कि माननीय सदस्यों के प्रतिष्ठा पर, उनके सम्मान पर आंच नहीं आए। आज फिर बैठक में हमने वरीय पदाधिकारियों की बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा जब समीक्षात्मक बैठक में जानकारी लिए, उनको हमने फुटेज उपलब्ध कराया था और उसको जांच करके कार्रवाई के लिए हमने कहा था।
और उन्होंने पूरी कार्रवाई प्रक्रिया का रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए और दो पुलिसकर्मियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की गई, इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से